विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही वोटर लिस्ट में सुधार के लिए बीएलओ की ट्रेनिंग शुरू। ईसीआई द्वारा किए गए नवाचार पर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। रीवा के डाइट में शुरू हुआ प्रशिक्षण। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को बीएलओ की ड्यूटी में किया गया है शामिल। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट में नाम सुधारने से लेकर चुनाव के संचालन तक की ट्रेनिंग के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज डाइट रीवा में बीएलओ तैनात किए गए कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नामों में त्रुटि सुधार एवं नए वोटरों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए बीएलओ अपने अपने क्षेत्र के गली मोहल्ले एवं गाँव में घर घर जाकर ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस दौरान बीएलओ की ड्यूटी में तैनात कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा लोगों में भी ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि वे अपने मताधिकार के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाएं और जो भी त्रुटियां सामने आएँ उसका समाधान कराएं। ट्रेनिंग के दौरान कुछ कर्मचारियों में ये भी असंतोष देखने को मिला कि उन्हें छुट्टी के दौरान ड्यूटी में तैनात किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने भत्ते की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाला भत्ता कैसे प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। आज ये काहे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है किन किन अधिकारियों को? आज हम अभी जो ईसीआई ने नए चेंजेस किए हैं, जो टेक्निकली नया बीएलओ ऐप लॉन्च किया है और भी जो नए नए उसमें चेंजेस हुए हैं और अगली जो मतलब मंशा है उसकी आयोग की कि क्या क्या करना है, नया शेड्यूल जो है, जैसे मतदाताओं के जो तो मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं, उनका सरनेम सुधारना है और कोई मतदाता ऐसा नाम जुड़ने से छूटे ना, कोई ऐसा मतदाता ना रह जाए जिसका नाम मतलब दोहरे प्रविष्ट में हो या किसी और रीजन से कटा हुआ ना हो, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने आज यहाँ पर अरेंज किया है और उसी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। क्या किस विभाग के कर्मचारियों के इसमें लगभग सभी विभाग के कर्मचारी हैं, ज़्यादातर तो शिक्षक हैं जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, बाकी बाण सागर हो गया, सिंचाई विभाग, फिर आपके नगर निगम, तो सभी जगह के लगभग सचिव भी हैं कुछ इसमें, जो कि मतलब अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं। तो ये भी 30 मई तक चलेगा, 15 मई तक जो है तो हाउस टू हाउस सर्वे है, जिसमें कि घर घर जाके सभी हमारे बीएलओ जो है तो उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे सभी मतदाताओं का। उसके बाद फिर ये वाली प्रक्रिया चल रही है कि सभी का मोबाइल नंबर, सभी का सरनेम और ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। रेशनलाइजेशन, जैसे किसी उसका वो होना है, मतदान केंद्र बदला जाना है या उसके लिए, तो वो सारी प्रक्रियाएँ भी हम लोग कर रहे हैं, तो उसी के लिए इसको आज अरेंज किया हमने। मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं इलेक्शन प्रोग्रामर हूँ 74 विधानसभा रीवा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह बघेल है। आज आप ट्रेनिंग में आए हैं, क्या मांगे हैं आप, क्या चाहते हैं? ट्रेनिंग में आए, हम लोगों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कहा गया है। इसे और इस समय हम लोगों का ग्रीष्मावकाश भी चल रहा है, तो हमारा कहना ये है कि हम लोगों का जो अवकाश का वो होता है, मैंने अवकाश में जो काम लिया जाता है उस काम के एवज में हम लोगों को ईएल की जो पात्रता है वो देनी चाहिए। साथ हमारे विभाग ने वो कर दिया है कि 15 दिन के लिए कलेक्टर के आदेश से हम लोगों को ईएल मिलेगा और 15 दिन से अधिक यदि कार्य करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को विभागाध्यक्ष मैंने राज्य लोक शिक्षण से मिलेगा उसके लिए ईएल। तो इसमें स्पष्ट जब आदेश किया जाए तो स्पष्ट किया जाए कि लोगों को ईएल की पात्रता रहेगी। अभी तक हवा हवाई आदेश कर देते हैं, केवल ये कह देते हैं कि बीएलओ को ये काम करना है, आदेश कोई नहीं करते, अभी तक आदेश जारी नहीं किया।